तो दोस्तों इस वक्त मैं हूँ उत्तराखंड के एक छोटे से शहर में और इसका नाम है रामनगर। तो इसे आप उत्तराखंड का प्रवेश द्वार भी कह सकते हो। तो यहाँ से मैं जा रही हूँ अपने गाँव पौड़ी गढ़वाल। तो रामनगर से करीब 5 किलोमीटर के बाद ये जंगल शुरू हो जाता है और इसका नाम है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। इसी जंगल के बीच में बना हुआ है एक रिजॉर्ट और इसका नाम है जंगल लॉरी। तो चलिए हम भी देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं कि किस तरह का यहाँ पे ये रिजॉर्ट बना हुआ है। यहाँ पे सबसे पहले ये पड़ता है ये बड़ा हॉल सा, झोपड़ी नुमा हॉल बना रखा है जिसकी दीवारें नहीं है। जो भी टूरिस्ट आते हैं वो यहाँ पे लंच डिनर ब्रेकफास्ट वो यहीं पे आके करते हैं, यहाँ पे बैठ जाते हैं और यहाँ पे करते हैं, अपनी पसंद से जो भी चाहे बनवा सकते हैं। तो ये कितना खूबसूरत बनाया हुआ है आप देख सकते हैं, इसको झोपड़ी नुमा डिजाइन दिया गया है इसका और ऊपर से छत इसकी कितनी प्यारी लग रही है। और यहाँ पे जानवरों की तस्वीरें भी रखी गई हैं कि भाई यहाँ आपको कौन कौन से जानवर देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए चलते हैं आगे और अब मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे काफी सारे रूम बने हुए हैं, तो उन्हीं में से एक रूम मैं आपको दिखाती हूँ कि ये अंदर से किस तरह से बने हुए हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले बाहर देखो ये बरामदा सा है और यहाँ पे दे रखी है 2 कुर्सियाँ मेज, यहाँ पे आराम से बैठ के आप लोग चाय कॉफी वगैरह पी सकते हो। तो ये जो मैं रूम आपको दिखा रही हूँ इस तरह से कई सारे कमरे हैं यहाँ पे और कई में तो आ रखे हैं लोग आए हुए हैं। तो ये काफी बड़ा रूम है आप देख सकते हो और यहाँ पे है एक डबल बेड रखा हुआ है जिसमें 3 लोग आराम से सो सकते हैं क्योंकि ये काफ़ी चौड़ा डबल बेड है और एक बेड अलग से दे रखा है। तो अगर 3-4 लोग आ रहे हो इकट्ठे तो वो आराम से यहाँ सो सकते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे सामान रखने के लिए भी बना रखा है, सोफ़ा रखा हुआ है। तो ये अंदर यहाँ पे है, ये है टॉयलेट बाथरूम, ये टॉयलेट बाथरूम है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्लास है और इस तरफ से भी है। तो दोस्तों देख सकते हो आप उस तरफ भी कुर्सी लगा रखी थी बैठने के लिए और यहाँ पे भी 2 कुर्सियाँ रखी हुई हैं, मेज रखा हुआ है बैठने के लिए। और यहाँ पे आप देख सकते हो कितना शांत इलाका है। आगे जो आपको दिख रहा होगा आगे है कोसी नदी, तो अगर आप नदी में नहाने के लिए जाना चाहो तो यहाँ से रास्ता जा रहा है जो आगे वो नदी की तरफ जा रहा है। और ये सारे ये रूम बने हुए हैं आप देख सकते हो। तो दोस्तों आपने अभी देखा ये जो रूम था बहुत ही खूबसूरत रूम है, बहुत ही अच्छे तरीके से इसको सजा रखा है। तो चलिए अब यहाँ का जो है किराया पता कर लेते हैं, कितना किराया है इस रूम का, एक दिन का किराया कितना है और खाना पीना उसमें इंक्लूड है उसके कितने हैं, उसके अलग से देने हैं कि रूम के साथ ही हैं उसके पैसे। कितना? 2500 रुपये हैं। तो दोस्तों एक रूम का जो किराया है वो है 2500 रुपये, तो उसमें खाना पीना भी है कि खाना पीना अलग है? तो खाने पीने का क्या हिसाब होता है? ऑर्डर का बनता है, आप बोलेंगे जो ऑर्डर पे बोलेंगे तो फिर उसका उसके हिसाब से रेट होगा है। अच्छा, तो जो खाना पीना है उसका रेट अलग है, वो जो आप लोग ऑर्डर करोगे उसके हिसाब से उसका रेट होगा। तो यहाँ पे जो जंगल सफारी है उसका अलग रेट है कि आप कहाँ तक कितना घूमना जाना चाहते हो उसके हिसाब से उसके रेट हैं। तो रूम के आपको बता दिए कि यहाँ पे एक दिन का किराया जो है वो 2500 रुपये है। तो दोस्तों ये देख सकते हो आपने यहाँ पे ये मचान बना रखी है, यहाँ से ऊपर से देखना हो तो किसी ने तो यहाँ से क्या है दूर तक दिखाई देगा, अगर यहाँ से कोई देखेगा तो दूर तक दिखाई देगा उसको। यहाँ पे नदी भी है सामने नीचे की तरफ जो आपको अभी दिखाई थी हमने। तो यहाँ पे देखो इन्होंने ये ट्रक बना रखा है लकड़ी का और कितना अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है ओरिजिनल ट्रक होगा, मैंने ट्रक को उठा लिया है। तो दोस्तों जो ये जगह है ये रामनगर से अंदर जब हम आते हैं तब पड़ती है और इसका नाम है आम डंडा। ये जो सारा जो है ये जिम कॉर्बेट में ही आता है, मतलब रामनगर का जो जिम कॉर्बेट है ये उसी के अंदर आता है। ये सारा एरिया जंगल का ही है, टाइगर भी आ जाता है। यहाँ पे जगह जगह जो है तार लगा रखी है ताकि अंदर ना आ जाए। तो चलिए चलते हैं अब हम आगे के सफर के लिए।